Hello students, how are you? In this video I will explain you highest common factor, that is HCF. There are four methods of HCF: HCF by factorization method, HCF by prime factorization method, HCF by common division method, and last HCF by division method. HCF by factorization method I have already explained you in previous video. Now in this video I am only explain this method. So first I will explain HCF by prime factorization method. By prime factorization method. I take example find the HCF of 72 and 90 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, हमें एच सी एफ निकालना है 72 और 90 का, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर करते हैं. और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जब हम फैक्टर करते हैं तब जो हम यहाँ पर जिससे भी डिवीज़न करते हैं वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए. तो हमें पता है लास्ट में क्या है, 2 है, तो दिस नंबर विल बी डिवाइड बाय 2. तो 2 3 6 7, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18. अब हमें पता है ये जो है 9 है वो 2 से नहीं जाएगा, तो हम दूसरा प्राइम फैक्टर लेंगे और प्राइम नंबर लेंगे, और 3 इज सेकंड प्राइम नंबर. तो 3 3 9, 3 1 3. ओके, सिमिलरली हम 90 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 4 8, 2 5 10. हमें पता है लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो किससे जाएगा? 3 से हम करके देखते हैं. 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5. हमने दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए. अब हमें क्या निकालना है, एच सी एफ. तो एच सी एफ ऑफ 72 and 90 क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो हमारा ये जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 and 90, हम क्या करेंगे, इसके कॉमन जो फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एच सी एफ होगा. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर. तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 3, हम कॉमन देखेंगे 5, सॉरी वो 3 लिख गया था. अब हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, ये कॉमन है 2, 3 कॉमन है यहाँ पर, और एक ये 3 कॉमन है. ठीक है, 2 3 कॉमन है यहाँ पर, एक ये 3 सेकेंड 3, तो कॉमन इसमें क्या है, 2 into 3 into 3. ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 3 6, 3 6 18. तो 18 इज़ योर आंसर, 18 इज़ द एचसीएफ ऑफ 72 and 90. फिर से एक बार देख लो, समझ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम फैक्टर करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर से ही करते हैं. मैंने दोनों का क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों के कॉमन निकाले, कॉमन मेरे आ गए. तो जो कॉमन होते हैं तो वही क्या होता है, एच सी एफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ जो भी आपके कॉमन है उनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी उसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट,
एच सी एफ ऑफ 32, 80, 96। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर का, ओनली टू नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देखिए ओनली टू नंबर थे, एक नंबर 72 था, दूसरा 90 है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन अब किसका करेंगे, थ्री नंबर का। ये थ्री नंबर का बिल्कुल सेम है, वहाँ टू नंबर थे, यहाँ थ्री नंबर है। बस थ्री नंबर में कॉमन निकालेंगे, उसके कॉमन का प्रोडक्ट करेंगे, वो हमारा एच सी एफ आ जाएगा। तो हम इन तीनों का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर। तो हम टू से करेंगे, टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू। सिमिलरली एटीन का करेंगे, टू फोर ज़ा एट, ज़ीरो हमने एस एच नोट कर लिया, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, फाइव वन ज़ा फाइव। 96 का करेंगे, टू फोर ज़ा एट, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री। अब हम क्या निकालेंगे, इसके कॉमन निकाल। ठीक, मैंने ये नोट डाउन कर लिया। हम इसमें कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32, 80 एंड 96। तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू प्रोडक्ट, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन। तो आंसर विल बी 16। माई सेकेंड मेथड इज एस सी एफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। एस सी एफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड, अभी मैंने एस सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ एस सी एफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये जो है फाइव स्टेप में कम्प्लीट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज द गिविंग नंबर इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, एच सी एफ ऑफ 60 एंड 72। ठीक, अब हमारा स्टेप वन क्या होगा, इसको हम एक कॉलम में अरेंज कर लेंगे। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों अलग अलग फैक्टर निकाल लेते, इसमें एक ही कॉलम में अरेंज करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा, डिवाइड द नंबर्स बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, राइट द क्वेश्चन ब्लो नंबर। ठीक है, हम इसको दोनों को ऐसे प्राइम नंबर से लेंगे जो जिससे ये दोनों ही क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ऐसा प्राइम नंबर लेंगे। तो टू से लेंगे क्योंकि लास्ट में जीरो, लास्ट में टू है। तो टू थ्री ज़ा सिक्स, टू सिक्स ज़ा सिक्स, और सॉरी टू थ्री ज़ा सिक्स और ये वन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व। फिर हम टू से लेंगे, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा सिक्सटीन। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या होगा, देन द डिवाइड द क्वेश्चन बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, रिपीट द प्रोसेस टिल देयर आर नो कॉमन प्राइम नंबर्स टू डिवाइड बाय, द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजर इज द रिक्वायर्ड एस सी एफ। हमें ये जब तक लेना है, जैसे हमने यहाँ तक, अब हमें देखना है कि हम कोई भी ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिससे दोनों जाए। हमें पता है थ्री से चला जाएगा, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन और थ्री सिक्स ज़ा एटीन। अब कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसके टेबल में फाइव और सिक्स दोनों आए। ठीक है, जब लास्ट में वो स्टेज आ जाती है जिसमें जो आपका लास्ट में वो जो नंबर आपके बचते हैं कोई भी ऐसे कॉमन टेबल से नहीं जाते हैं, कॉमन प्राइम नंबर से नहीं डिविजिबल होते हैं, तो वहीं पर हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और ये इसी का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एच सी एफ हो जाता है यहाँ पर। तो एच सी एफ इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री, तो टू टू ज़ा फोर और फोर थ्री ज़ा कितने होते हैं, ट्वेल्व। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पर, थ्री थ्री उसमें करके दिखा देती हूँ, थ्री डिजिट में, वो सॉरी थ्री नंबर में। हमें ऐसा कॉमन प्राइम नंबर लेना है जिससे तीनों ही डिविजिबल हो जाएं। हमें पता है लास्ट में फोर है, फोर है सिक्स है, टू से हो जाएगा। टू यहाँ पर जो टू टू ज़ा फोर, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर और टू सेवन ज़ा फोर्टीन और टू सेवन ज़ा फोर्टीन। अब हमें पता है यहाँ पर ये नंबर किससे चले जाएंगे, ये हम देखते हैं। सेवन के टेबल में 28 भी आता है, 42 भी आता है और 77 भी। तो सेवन इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही लेना है आपको। तो सेवन फोर ज़ा 28, सेवन सिक्स ज़ा 42 और सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन वन ज़ा सेवन,
सेवन, ये 77 सेवन से डिविजिबल है, देखो 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, 11 टाइम जाएगा ये। अब कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हों, इसलिए यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, देखिए एच सी एफ इक्वल टू 2 × 7, 7 × 2 = 14। दिस इज़ योर आंसर। एक बार और इसको कॉमन डिवीजन मेथड को फिर से बता दे रही हूँ। नंबर वन स्टेप क्या होगा, अरेंज द गिविंग नंबर्स इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर, हमें इसको लाइन में अरेंज करना है। दूसरा क्या होगा, डिवाइड द नंबर्स बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, ये याद रखना हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। राइट द क्वेश्चन बिलो द नंबर, जो भी आता रहेगा नंबर के बिलो क्वेश्चन को हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे उसके जो भी क्वेश्चन आएंगे। देन डिवाइड द क्वेश्चन बाय द लोएस्ट कॉमन नंबर, जो भी क्वेश्चन है उसको फिर से हम लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेंगे। रिपीट द प्रोसेस टिल देयर आर नो कॉमन प्राइम नंबर टू डिवाइड बाय, जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं आएगा जिससे ये तीनों क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। रिपीट जब तक करते रहेंगे, जैसे ही ऐसा कोई प्राइम नंबर आता है जिससे तीनों में से कोई भी एक डिविजिबल नहीं है, वहीं आपको स्टॉप कर देंगे और जो भी आपके यहाँ प्राइम नंबर होंगे उसको मल्टीप्ली उसका प्रोडक्ट करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके दो मेथड मैंने आपके बताए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कॉमन डिविजन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एस सी एफ बाय डिविजन मेथड से बताऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एच सी एफ। देयर आर 4 मेथड ऑफ एच सी एफ, एस सी एफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एस सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एस सी एफ बाय कॉमन डिविजन मेथड एंड लास्ट एस सी एफ बाय डिविजन मेथड। एस सी एफ बाय फैक्टराइजेशन मैथड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस वीडियो, नाउ इन दिस वीडियो आई एम ओनली एक्सप्लेन दिस मैथड। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन एस सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। I take example, find the HCF of 72 and 90 by prime factorization method। ठीक है, हमें एच सी एफ निकालना है 72 और 90 का, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जब हम फैक्टर करते हैं तब जो हम यहाँ पर जिससे भी डिवीज़न करते हैं वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो हमें पता है लास्ट में क्या है, 2 है, तो दिस नंबर विल बी डिवाइड बाय 2। तो 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। अब हमें पता है ये जो है 9 है वो 2 से नहीं जाएगा, तो हम दूसरा प्राइम फैक्टर लेंगे और प्राइम नंबर लेंगे, और 3 इज सेकंड प्राइम नंबर, तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ओके, सिमिलरली हम 90 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। हमें पता है लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो किससे जाएगा, 3 से हम करके देखते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। हमने दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए, अब हमें क्या निकालना है, एच सी एफ। तो एच सी एफ ऑफ 72 and 90 क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो हमारा ये जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ
72 एंड 90। हम क्या करेंगे, इसके कॉमन जो फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3 × 3 हम कॉमन देखेंगे 3 लिख गया था। अब हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, ये कॉमन है 2, 3 कॉमन है यहाँ पर, और एक ये 3 कॉमन है, ठीक है, 2 3 कॉमन है यहाँ पर, एक ये 3 सेकेंड 3। तो कॉमन इसमें क्या है, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 × 3 = 6 × 3 = 18। तो 18 इज़ योर आंसर, 18 इज़ द HCF ऑफ 72 एंड 90। फिर से एक बार देख लो, समझ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम फैक्टर करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर से ही करते हैं। मैंने दोनों का क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इन दोनों के कॉमन निकाले, कॉमन मेरे आ गए। तो जो कॉमन होते हैं तो वही क्या होता है, HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ जो भी आपके कॉमन है उनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट, HCF ऑफ 32, 80, 96। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर का, ओनली 2 नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देखिए ओनली 2 नंबर थे, एक नंबर 72 था, दूसरा 90 है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन अब किसका करेंगे, 3 नंबर का। ये 3 नंबर का बिल्कुल सेम है, वहाँ 2 नंबर थे, यहाँ 3 नंबर है, बस 3 नंबर में कॉमन निकालेंगे, उसके कॉमन का प्रोडक्ट करेंगे, वो हमारा HCF आ जाएगा। तो हम इन तीनों का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर। तो हम 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। सिमिलरली 18 का करेंगे, 2 × 4 = 8, 0 हमने SH नोट कर लिया, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। 96 का करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब हम क्या निकालेंगे, इसके कॉमन निकाल, ठीक, मैंने ये नोट डाउन कर लिया। हम इसमें कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर HCF इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32, 80 एंड 96। तो 2 × 2 × 2 × 2 प्रोडक्ट, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो आंसर विल बी 16। माई सेकेंड मेथड इज HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड, HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अभी मैंने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज द गिविंग नंबर इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, HCF ऑफ 60 एंड 72। ठीक, अब हमारा स्टेप 1 क्या होगा, इसको हम एक कॉलम में अरेंज कर लेंगे। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों अलग अलग फैक्टर निकाल लेते, इसमें एक ही कॉलम में अरेंज करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा, डिवाइड द नंबर्स बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, राइट द क्वेश्चन ब्लो नंबर। ठीक है, हम इसको दोनों को ऐसे प्राइम नंबर से लेंगे जो जिससे ये दोनों ही क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ऐसा प्राइम नंबर लेंगे। तो 2 से लेंगे क्योंकि लास्ट में 0, लास्ट में 2 है, तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 6, और 2 × 3 = 6 और ये 1 × 2 = 12। फिर हम 2 से लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16।
ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, देन द डिवाइड द क्वेश्चन बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, रिपीट द प्रोसेस टिल देयर आर नो कॉमन प्राइम नंबर्स टू डिवाइड बाय, द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। हमें ये जब तक लेना है, जैसे हमने यहाँ तक, अब हमें देखना है कि हम कोई भी ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिससे दोनों जाए, हमें पता है थ्री से चला जाएगा, थ्री फाइव जा 15 और थ्री सिक्स जा 18। अब कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 और 6 दोनों आए, ठीक है। जब लास्ट में वो स्टेज आ जाती है जिसमें जो आपका लास्ट में वो जो नंबर आपके बचते हैं कोई भी ऐसे कॉमन टेबल से नहीं जाते हैं, कॉमन प्राइम नंबर से नहीं डिविजिबल होते हैं, तो वहीं पर हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और ये इसी का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है यहाँ पर। तो एचसीएफ इक्वल टू 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = कितने होते हैं, 12। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर 3 उसमें करके दिखा देती हूँ, 3 नंबर में हमें ऐसा कॉमन प्राइम नंबर लेना है जिससे तीनों ही डिविजिबल हो जाएं। हमें पता है लास्ट में 4 है 6 है, 2 से हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14। अब हमें पता है यहाँ पर ये नंबर किससे चले जाएंगे, ये हम देखते हैं, 7 के टेबल में 28 भी आता है, 42 भी आता है और 77 भी, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही लेना है आपको, तो 7 × 4 = 28, 7 × 6 = 42 और 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7।